हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अष्टा ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो 5 और 8 क्लास की जो एग्ज़ाम होने वाली है इसके बारे में यहाँ पर जो है सूचना जारी की गई है कि 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा जो है 21 मई से होगी। और ये जो है आपको डेट में बदलाव किया गया है चुनाव को लेकर, देख सकते हैं यहाँ पर सर ने बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो तिथि में आपको बदलाव किया गया है। तो यहाँ पर हम जो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, बेतिया यहाँ पर दिया, जिला के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में आयोजित होने वाली 5वीं और 8वीं कक्षा की जो पुनः परीक्षा की तिथि में जो फेरबदल किया गया है यहाँ पर बताया जा रहा है। राज्य में लोकसभा चुनाव का 5वां चरण जो है 20 मई और जो 6ठा चरण है वह कितना को 25 मई को निर्धारित है, यानी कि राज्य में लोकसभा चुनाव का 5वां चरण जो वह 20 मई को होने जा रहा है और 25 मई को 6ठा चरण है। इसको देखते हुए 20 मई को जो आयोजित होने वाली परीक्षा थी उसे यहाँ पर जो है जो कि परीक्षा जो है किस सब्जेक्ट की थी, तो बात कर रहे हैं हिंदी, उर्दू, बांग्ला व अंग्रेजी विषय की परीक्षा 27 मई को ली जाएगी। इसी तरह 25 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रभाषा हिंदी व शैक्षिक गतिविधियों का अवलोकन विषय की परीक्षा जो है वह 28 मई को ली जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सारी आदेश जारी, जो आदेश हुआ है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से, उसमें कहा गया है कि शैक्षणिक यहाँ पर जो सत्र है आप लोग का 23 से 24 के कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा में असफल व अनुपस्थित विद्यार्थियों की पुनः परीक्षा जो है वह 20 से 25 मई तक आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। यानी कि यहाँ पर जो है इस परीक्षा में वैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर शामिल होने वाले हैं जिन्होंने कि अपनी 5वीं और 8वीं कक्षा में जो कि अनुपस्थित है, प्रेजेंट नहीं थे, एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो पाए, या फिर वैसे स्टूडेंट्स जो कि अपने इस एग्ज़ाम में जो है वो असफल हो गए हैं, फेल हो गए हैं, जो है पास नहीं हुए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर जो है परीक्षा फिर से ली जा रही है। तो पहले इसका डेट जो था वह 20 से 25 मई था, लेकिन अब इसका नया डेट जारी किया गया है वह आपका 29 से 30 मई की अवधि में की जाएगी जो परीक्षा होने वाली थी। नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि आगामी 31 मई को विद्यालयों में परीक्षा की प्रगति रिपोर्ट दिखाते हुए उत्तर पुस्तिकाओं को बच्चों को वापस कर दिया जाएगा। यानी कि और 31 मई को जो क्या होगा, विद्यालयों में परीक्षा की प्रगति रिपोर्ट दिखाते हुए जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं इसको जो है बच्चों को वापस कर दिया जाएगा और पुनः परीक्षा में ई ग्रेड लाने वाले बच्चों का शैक्षणिक सत्र में उसी कक्षा में यानी कक्षा 5 और 8 में पुनः पढ़ाई करेंगे। और वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी क्लास में जो ई ग्रेड अगर फिर से एग्ज़ाम हुआ, फिर से उस रूम में उन्होंने ई ग्रेड लाया, तो वे क्या करेंगे, फिर से उसी क्लास में यानी 5 में तो 5 में ही, और अगर 8 क्लास में है तो 8 क्लास में उनका फिर से एडमिशन होगा और उस साल जो है नेक्स्ट ईयर भी वे उसी क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा 5 क्लास और 8 क्लास की परीक्षा के लिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी जो कि डेट में चेंजेस हुए हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और वे ऐसे कैंडिडेट्स जो 5 और 8 के एग्ज़ाम जो नहीं दे पाए थे तो वे अपनी इस पुनः परीक्षा में ज़रूर शामिल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।